हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेइंग इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया की जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी के बारे में, जो अपना फ्यूचर बनाने वाली है। हाँ दोस्तों, एक वर्टिकल सिटी जो 2050 तक बन के रेडी हो जाएंगी, ऐसा इंजीनियर्स का कहना है। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, 170 किलोमीटर लॉन्ग जीरो ग्रेविटी सिटी होने वाली है दोस्तों, जो कहलाएंगी द लाइन। ठीक है, ये पहली काइंड होंगी इस तरह की जो बनने जा रहा है। फाइनली एक ऐसी ड्रीम सिटी जो हम सिर्फ मूवीज में देखते थे, वो सच्चाई में बदलने जा रही है। सऊदी अरेबिया ने बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के लिए एक ऐसी आइडिया डेवलप किया है कि जहाँ पर हम जीरो कार्बन एमिशन सिटी बनाने वाले हैं, जो नियोम इस जगह पर स्थित होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये 170 किलोमीटर लॉन्ग जीरो ग्रेविटी वर्टिकल मेट्रोपोलिस होगा। ठीक है, एक सीधी लाइन में इसका निर्माण किया जाएगा और ये पहली तरह की अपने आप में एक शहर होगा। इस सिटी में रहने वाले लोगों की जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। जो ट्रेडिशनल सिटीज़ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ट्रांसपोर्टेशन पर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का रास्ता ना ही रोड्स होंगी, ना ही कार्स होंगे और इनसे होने वाला पोल्यूशन भी नहीं होगा। ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेगा और 95% ऑफ द लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए डेडिकेटेड होगा। अनलाइक ट्रेडिशनल सिटीज़, यहाँ पर 200 मीटर वाइड और 170 किलोमीटर लॉन्ग इस तरह की बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जो 500 मीटर अबव सी लेवल होंगी। जो लाइन है वो एकोमोडेट करने वाली है 9 मिलियन पीपल्स, मतलब 90 लाख पीपल्स के लिए, और ये 34 स्क्वायर किलोमीटर्स इतने एरिया में बनाया जाएगा। जो रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट होगा, जो हमने कभी नहीं देखा होगा, जिससे कि एफिशिएंसी ऑफ द सिटी काफ़ी बढ़ने वाली है। ये एक आइडियल क्लाइमेट की तरह बनाई जाएंगी, जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि इसमें रहने वाले इंसानों को जो सराउंडिंग का नेचर है उसका पूरे पूरे इस्तेमाल और उपयोग करते आए। यहाँ पर रहने वाले हर रेसिडेंट्स के लिए 5 मीटर वॉक में ही एडिशनल हाई स्पीड रेलवे दी जाएंगी, जो एंड टू एंड ट्रांसिट करेंगी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में। मतलब आपको अगर कहीं भी जाना है तो आप 20 मिनट में कहीं पर भी जा सकोगे। इस प्रोग्रेसिव डिज़ाइन में ऑफर किया जा रहा है इमीडिएट एंड अनइंटरप्टेड एक्सेस, मतलब आप नेचर को 2 मिनट के वॉक में ही देख सकोगे। यहाँ पर ओपन स्पेसेस दी जाएंगी अलग अलग लेवल्स पर, और यहाँ पर आप जो लैंडस्केप है, माउंटेन्स है, स्काई है, इसको बिना किसी तकलीफ के देख सकते हो, जो हम अर्बन एरियाज में बिल्कुल भी अनुभव नहीं ले पाते हैं। इस सिटी में ज़ीरो कार्बन होगा और इससे एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन काफ़ी कम हो जाएगा। जो भी कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग में, कार्स में, रोड में, ये बिल्कुल भी नहीं होगा और ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा। जो भी इंडस्ट्रियल काम है ये भी रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाला है। तो मित्रों, इससे इंटीग्रेशन जो होता है हमारा नेचर के साथ में, और साथ ही साथ जो हमें खुली जगह मिलती है, इससे हमें एक अच्छी प्योरीफाइड एयर क्वालिटी मिलेगी और इससे हम अपनी हेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस बिल्डिंग की और एक खासियत यह है मित्रों कि इसमें एक माइक्रो क्लाइमेटिक स्पेसेस दी जाएंगी, मतलब आप अपने एक सुटेबल इन्वायरमेंट में खुद को ढाल सकते हो। यहाँ पर केयरफुली ऐसी डिज़ाइन दी गई है कि जहाँ पर आप ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ द सनलाइट, जितना भी आपको सनलाइट चाहिए, जैसा शेड चाहिए, जितना नेचुरल वेंटिलेशन चाहिए, आप उसको एडजस्ट भी कर पाओगे, और आपको छोटे छोटे ग्रीन ओपन स्पेसेस दिए जाएंगे थ्रू आउट द सिटी में। तो आप इस सिटी में अच्छी तरह से कंफर्ट के साथ में रह सकते हो, वर्क कर सकते हो और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हो।